प्रश्न एक चिठा प्रस्तुत कमिटी उपरे सम्यक धारणा दियो। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन द ड्राफ्टिंग कमिटी। उत्तर संविधान प्रणयन सभा द्वारा गठित विभिन्न कमिटी मध्यरु चिठा प्रस्तुत कमिटी थिला गुरुत्वपूर्ण कमिटी। एही कमिटीर अध्यक्ष थिले डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेदकर। चिठा प्रस्तुति कमिटीर अन्यान्य सदस्य माने थिले बी एल मित्तल, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एल डी कृष्णस्वामी आयार, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्या, डी पी खैतान ओ एन माधव राव। परवर्ती समय रे डी पी खैतान को मृत्यु परे टी टी कृष्णामाचारी एही कमिटीर सदस्य होइथिले। संविधान प्रणयन सभारे चिठा प्रस्तुत कमिटी 1947 अगस्त 29 तारीख रे गठित होइथिला। संविधान प्रणयन सभार संविधान परामर्शदाता भावरे बी एन राव सहायता करिथिले। संविधान को संपूर्ण करने को संविधान प्रणयन सभार मोट 11 अधिवेशन अनुष्ठित होई 1947 अक्टोबर मासरे ड्राफ्टिंग कमिटी सम्मुखरे संविधान प्रथम चिठा दाखल करा जायथिला। एठारे 240 धारा ओ 13 अनुच्छेद थिला। प्रश्न 2 संविधान प्रणयन सभार कार्यधारा वर्णना कर। डेस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उत्तर संविधान प्रणयन सभार सदस्य मानंक मध्यरु अधिकांश थिले विद्वान, आईन विशारद ओ विशिष्ट राजनीतिज्ञ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राज गोपालचारी, गोविंद वल्लभ पंथ, पुरुषोत्तम दास टंटन टंडन, के एम मुंशी, आचार्य कृपालिनी, टी टी कृष्णमाचारी भली कांग्रेसर तुंग नेता माने संविधान सभार सदस्य थिले। कांग्रेस दल व्यतीत अन्य दलर विशिष्ट नेता माने थिले सर्वपल्ली राधाकृष्ण, श्यामा प्रसाद मुखार्जी, हृदयानंद कुंजरू, एन गोपाल स्वामी आयंगर, आल डी कृष्णस्वामी आयार, के टी साहा ओ भीमराव रामजी आम्बेदकर। महिला सदस्य मानंक मध्यरु श्रीमती सरोजिनी नायडू, हंस मेहट्टा, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थिले। संविधान तयारी करिबा पई एहारो निर्वाचित सदस्य मानंकर प्रथम बैठक पार्लियामेंट रो केंद्रीय हॉल रे डिसेंबर 9 तारीख 1946 दिन अनुष्ठित होइथिला। एथिरे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अध्यक्षता करिथिले। परवर्ती समय रे डिसेंबर मास 11 तारीख रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान प्रणयन सभार स्थायी सभापति रूपे दायित्व नेथिले। संविधान प्रणयन सभारे 8 मुख्य ओ अन्यान गौण कमिटी मान तयारी होइथिला। प्रश्न 3 संविधान रो संज्ञा दियो। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तर संविधान हेउछि प्रत्येक राष्ट्रर मौलिक आईन बा फंडामेंटल ल। राष्ट्र शासन ओ सरकार परिचालना लागि आवश्यक नीति नियम गुड़ी को संविधान कहा जाए। एहा राष्ट्रर गठन पद्धति सरकार को क्षमता संपर्क रे एहा आलोचना करिथाय ओ नागरिक मानंकर अधिकार ओ कर्तव्य संबंध रे मध्य उल्लेख करिथाय। संविधान माध्यम रे सरकार को क्षमतार वैधिकरण होइथाय। संविधान मध्य एक मौलिक शासन दलील। संविधान को आधार करी देशर शासन कार्य परिचालना हुए। विभिन्न राजनीति विशारद माने संविधान रो संज्ञा प्रदान करिवा को जाई भिन्न भिन्न मत पोषण करिछंती। गिलख्रिस्ट को मतरे संविधान रे सरकार गठन, क्षमता विभाजन ओ साधारण नियम संबंध रे उल्लेख थाए। विख्यात संविधान विशेषज्ञ लॉर्ड ब्राइस कहिछंती जे जेऊ आईन ओ परंपरा अनुसारे राष्ट्रर जीवनधारा प्रवाहित हुए किंबा जेऊ जटिल समष्टिगत नीति ओ नियमावली द्वारा समाजर ओ नियमावली द्वारा समाज संगठित शासित ओ संघत हुए
ताहाकु संविधान कहा जाए। प्रोफेसर के आउ थरे सुनिबा गिलख्रिस्ट मतरे संविधान रे सरकार गठन क्षमता विभाजन और साधारण नियम संबंध में उल्लेख थाए। विख्यात संविधान विशेषज्ञ लॉर्ड ब्राइस कहते जे जे आईन और परंपरा अनुसार राष्ट्रर जीवनधारा प्रवाहित हुए किंबा जो जटिल समष्टिगत नीति और नियमावली द्वारा समाज संगठित शासित और संहत हुए ताहाकु संविधान कहा जाए। प्रोफेसर केसी होयार मतरे जो नियमावली शासन क्षमता व्यवहृत होवार उद्देश्य और अंगगुड़िक नियंत्रित करे ताहा ही संविधान। प्रोफेसर केसी होयार मतरे जो नियमावली शासन क्षमता व्यवहृत होवार उद्देश्य और अंगगुड़िक नियंत्रित करे ताहा ही संविधान। प्रश्न 4 संविधान रो उत्सगुड़िक आलोचना कर। डिस्कस द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तर भारतीय संविधान मौलिक भावरे संविधान प्रणयन सभा द्वारा तैयारी होइतिले हैं एथिरे सन्निवेशित विभिन्न धारा और विधि व्यवस्था पृथ्वीर विभिन्न देशर संविधान रो अनुकरण रे प्रस्तुत होइछि। संसदीय शासन प्रणाली कैबिनेट व्यवस्था आईन रो शासन आईन प्रणयन पद्धति तथा वाचस्पति कार्यावली प्रभृति ब्रिटिश संविधान रु उद्धृत करा जाइछि। भारतीय संघीय व्यवस्था मौलिक अधिकार उपराष्ट्रपति कार्यावली न्यायिक क्षमता इत्यादि आमेरिकियर शासन व्यवस्थारु अणा जाइछि। सेहिपरि संविधान रो मुखबंधरे उल्लेखनीय जे आमे भारतवासी मध्य आमेरिका संविधान रु उद्धृत। आयरलैंड संविधान रु राष्ट्रीय निर्देशावली अध्याय और राज्यसभा को मनोनीत होउथवा 12 जन सदस्य व्यवस्था विषय रे आसी अछि। भारतीय संविधान रो जरूरी कालीन परिस्थिति संक्रांतीय विधि व्यवस्था जर्मनी देशर संविधान रु ग्रहण करा जाइछि। सेहिपरि अर्धसंघीय व्यवस्था अवशिष्ट क्षमता व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट रो परामर्शदायी क्षमता ओ भारत एक राज्य मानकर सम्मेलन इत्यादि कानाडा सांविधानिक व्यवस्था द्वारा प्रभावित। प्रश्न 5 नागरिकतार उदारवादी तत्व आलोचना कर। डिस्कस द लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। उत्तर 16 शताब्दी मध्यरे नागरिक मानंकु स्वाधीनता बा स्वतंत्रता एवं निरापत्ता को उपभोग करिवार सुजोग देउथिला। कारण सही समय रे नागरिकता एक आईनगत आभिजात्य बा लीगल स्टेटस रो मान्यता पाइथिला। थोमास हबस प्रथम राजनैतिक तत्ववादी थिले जिए विचार करूथिले कि व्यक्ति एवं राजनैतिक संप्रदाय मध्यरे एक संपर्क रहिछि। एही संपर्क सर्वदा व्यक्तिर अधिकार को सुरक्षा देवाई सतचेषा करें जो कारण प्रजा नागरिकता बा सब्जेक्ट सिटीजनशिप बोली कहा जाए थाए। थोमास हावस्क तत्वरे तर्क जहाँ राजा बा सम्राट अधिकार को प्रकृत क्षमतार अधिकार प्रदान करी किंचित स्थान कौन प्रकार नागरिकता को मिल पारी। तथापि थोमास हबस नागरिकतार इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करिछंती जहांकर अनेक तत्व सीधासलख भावरे अन्य जड़े नागरिकतावाद रे पुरोधा तथा प्राचीन उदारवादी दार्शनिक जॉन लॉक लेखारे प्रतिफलित होइथाय। प्रश्न 6 उदारवादी और साधारणतंत्रीय नागरिकता कौन। ह्वाट इज लिबरल एंड रिपब्लिकन सिटीजनशिप। उत्तर 1776 मसीहारे आमेरिका विप्लव एवं 1799 मसीहारे फरासी विप्लव आमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑफ 1776 एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 विश्व इतिहास रे दुईटी सुजोग भावे परिगणित होइथाय जहाँ एक गणतांत्रिक व्यवस्था सृष्टि करिवारे सहायक हो पारिथिला। एही दुईटा जाक विप्लव निज निजर सांविधानिक व्यवस्था प्रतिष्ठा करिवारे सफल होइतिले। आमेरिका संविधान रे लिखित आमे सबु आमेरिकार लोक वी द पीपुल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एवं फ्रांस रो मानविक अधिकार रो घोषणानामा दुईटी जाक प्रतिफलित करिथाए साधारण जनता और राजनीतिक
नागरिक बा पॉलिटिकल सिटीजन को मध्य संपर्क को गणतांत्रिक उदारवाद समय देखादेला। वास्तव में ऊनविंश और विंश शताब्दी प्रारंभ से ऊनविंश शताब्दी में उभय साधारणतंत्रीय और आईनगत नागरिकता मध्य गंडगोल बा युद्धर सूत्रपात होता। साम्राज्य और नगर राज्य एम्पायर एंड सिटी स्टेट मध्य एक मध्यस्थतार सहर जाति राज्य मुंड टेकिला जहाँफल यह एक प्रकार नागरिकता सृष्टि करते जहाँ जनप्रिय एवं आईनसंगत राजनैतिक अंशग्रहण और नागरिक अधिकार दे पारी। प्रश्न सात, नागरिकतार विलोप संपर्क धारणा दियो, गिव एन आइडिया ऑन लॉस ऑफ सिटीजनशिप। उत्तर, नागरिकता आहरण करिबा परि नागरिकता विलोप मध्य घटी थाए। निम्नलिखित कारण गुड़िक नागरिकतार विलोप निमन्ते दायी अटे, सेगुड़िक हैला ए, जणे महिला विदेश को विवाह कले तार पूर्व नागरिकत्व लोप पाई थाए। बी, विदेशी सरकार अधीन चाकरी बा विदेशी सेना बाहिनी रे जोग देबा द्वारा नागरिकता विलोप घटी थाए। सी, देशद्रोही कार्य लिप्त रहिले किंबा देश में दीर्घ दिन धरी अनुपस्थित रहिले नागरिकता काढ़ी निया जाए थाए। डी, स्वेच्छाकृत भावे अन्य राष्ट्रर नागरिकता ग्रहण कले व्यक्ति को पूर्व नागरिकता हरेबाकु पड़ी थाए। ई, एहा व्यतीत सेना बाहिनी रु पलायन राष्ट्र विरोधी गुप्त कार्य बा राष्ट्र विरुद्ध रे युद्ध रे योगदान कले नागरिकतारु वंचित हेबाकु पड़ी थाए। परिशेषरे जणे व्यक्ति निज इच्छारे मध्य निज देशरे नागरिकता त्याग करी अन्य राष्ट्रर नागरिकता हासिल करिथाए। प्रश्न आठ, नागरिकता संबंध में पुरातन ग्रीसर धारणा कौन थिला? व्हाट वाज द आइडिया ऑफ एनशियंट ग्रीस ऑन सिटीजनशिप? उत्तर, ऐतिहासिक भावे नागरिकतार अर्थ पाश्चात्य राजनीतिक परंपरा रे व्यक्तिर एक साधारण अवस्था को बुझाई थाए जेउथिरे कि व्यक्ति किछि अधिकार ओ आनुगत्य मध्यरे आबद्ध होई एक राजनैतिक तथा सामाजिक सीमा मध्यरे अवस्थान करे जेउटा कि किछि दिन परिदर्शन रे आसीथिबा परिदर्शकक ठारु संपूर्ण अलगा होई थाए। जे जी ए पोकक 1950 क मतरे एही प्रकार रो नागरिकता धारणा निश्चित भावे पुरातन समय रे जेमिति कि पुरातन ग्रीस ओ रोम रो नागरिकता धारणा परी जहाँ समयानुसारे साधारण तंत्रीय ओ उदाहरण रो आख्या पाइथिला। ग्रीक नागरिकता रो छाप राजनीति विज्ञान रो जनक अरिस्टोटल को द्वारा लिखित पुस्तक द पॉलिटिक्स रे उद्भासित जेउतिरे से एथेन्स को नमूना राष्ट्र भाव ग्रहण करिछंती। मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी भाव अरिस्टोटल अभिहित करिथिले कारण एक राजनीतिक परिवेश रे बंचिबा आम मनुष्य समाजर प्रकृति। वास्तवरे तांको मतरे केवल नगर राज्य बा सिटी स्टेट्स रे ही नागरिकतार वास्तव चित्र उपलब्ध होई पारिबो। प्रश्न नौ, राष्ट्र और नागरिक मध्य संपर्क आलोचना करो, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। उत्तर, लास्किंग को मतरे गोटे राष्ट्र प्रदान करुवा तार अधिकार द्वारा ही परिचित होइथाय। अधिकार व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास पई सर्वोत्तम परिवेश सृष्टि करिथाय। अधिकार व्यक्तिर सही समस्त दाबी बा आवश्यकता को सूचित करे जहाँ समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त और राष्ट्र द्वारा प्रदत्त तथा सुरक्षित होइथाय। व्यक्ति अधिकार निरंकुश नुहे, यह राष्ट्रर आईन द्वारा नियंत्रित सुरक्षित और निर्देशित अटे। राष्ट्रर नागरिक उभय सामाजिक और राजनैतिक अधिकार उपभोग करिथाय। जीवन धारणर अधिकार, स्वतंत्रता और समानतार अधिकार जीवन धारणर अधिकार, स्वतंत्रता और समानतार अधिकार, शिक्षागत अधिकार, धार्मिक अधिकार, संघ गठनर अधिकार, संपत्तिगत अधिकार, चिंतन और प्रकाशनर अधिकार आदि सामाजिक अधिकार होता बेले निर्वाचन में अंशग्रहण करिवार अधिकार, भोटदानर अधिकार, साधारण पदपदवी ग्रहण करिवार अधिकार, सरकार को समालोचना करिवार अधिकार,
इत्यादि राजनैतिक अधिकार होइथाय। गणतांत्रिक तथा जनमंगल राष्ट्रे नागरिक विकास प्रति राष्ट्र अधिक जत्नवान और क्रियाशील होइथाय। प्रश्न 10 जातीय संहतिर गुरुत्व आलोचना कर। डिस्कस द इम्पोर्टेन्स अफ नेशनल इंटग्रेशन। उत्तर जातीय संगति जाति पुष्पर सुदृढ़ वृंत। जातीय संगति जाति पुष्पर सुदृढ़ वृंत जहाँ प्रत्येक स्तवक को दृढ़ भाव धारण करें। जातीयतार मधुर सुरभि को वितरण करे संगति। जातीय विभेदर अवैध दुर्ग हेउची जातीय संगति। नाना रंगर और नाना बास्नार विविध पुष्पर सुंदर मालार गुंथन सूत्र हेउची एक जातीय संगति। सेहिपरी जातीय विभेदर अवैध दुर्ग हेउची जातीय संगति। नाना रंगर और नाना बास्नार विविध पुष्पर सुंदर मालार गुंथन सूत्र हेउची एक जातीय संगति। सेहिपरी धर्म भाषा संप्रदाय भितरे रहितिबा समस्त वैभव्य अभिन्न करी गढ़ी तोलिबार दक्षता अछि केवल एही संगति बोधर। जाति प्राण हेले संगति एहार ऐश्वर्य। जाति प्राण हेले संगति एहार ऐश्वर्य। जाति महास्रोत हेले संगति एहार अजस्र श्रावी पवित्र रसधारा। ऐक्यबोध प्रतिष्ठा एहार मौलिक उद्देश्य। भारतवर्ष एक विराट देश। इतिहास पृष्ठा सूचाई दिए जे आर्यभूमि वेदभूमि भारतवर्षर संगति बोध को एक प्राचीन निर्मल संस्कृति संपन्न देश भाव में भारतीय सांस्कृतिक चेतना विचित्र उपादान परिपूर्ण विभिन्न जाति बहु भाषाभाषी और नाना धर्मर लोक एठारे बास करती। भारतवासी को एकता सूत्र में आबद्ध कर रखापी चिंताशील भारतीय मैंने बहु आगर उद्यम कर आसीक्य मध्य ऐक्य और वैषम्य मध्य साम्य हो भारतीय संस्कृतिर विशेषत्व। भारतीय मानकर एकता को बजाय रखा निम्ते यार नद नदी सगर महासागर और गिरी पर्वत को धर्म सहित निविड़ भाव संश्लिष्ट कर दि जा। प्रश्न 11 भारतीय नागरिकर मौलिक कर्तव्य गुड़िक लेख। राइट द फंडामेंटल ड्यूटीज अफ द इंडियन सिटीजन। उत्तर भारतीय नागरिकर मौलिक कर्तव्य गुड़िक हैला ए देशर संविधान जातीय पताका एवं जातीय संगीत प्रति सम्मान प्रदर्शन करिबा। बी स्वाधीनता संग्रामर मोहनीय आदर्शरे अनुप्राणित हेबा। सी देशर सार्वभौमत्व एकता और अखंडतार संरक्षण और दृढ़ीकरण करिबा। डी देशर प्रतिरक्षा पाई आह्वान आसिले जातीय सेवा प्रदान करिबा। ई धर्मगत भाषागत गोष्ठीगत और आंचलिकता भित्तिरे सृष्टि विभेदतार ऊर्ध्वरे रही भारतर लोक मानंक मध्यरे ई धर्मगत भाषागत गोष्ठीगत और आंचलिकता भित्तिरे सृष्टि विभेदतार ऊर्ध्वरे रही भारतर लोक मानंक मध्यरे संगति और भातृभाव विकसित कराइबा ओ नारी मानंक प्रति अमर्यादा सूचक व्यवहार को त्याग करिबा। एफ आमर मिश्रित संस्कृतिर महत्व ओ विराट ऐतिह्य को आदर करिबा ओ संरक्षित रखिबा। जी प्राकृतिक परिवेष्टनी तथा वन ह्रद नदी ओ वन्यजंतुंकर संरक्षण ओ विकास करिबा एवं प्राणी मानंक प्रति दया प्रदर्शन करिबा। एच वैज्ञानिक मनोभाव मानविकता जिज्ञासा मनोभाव और संस्कार पर आग्रह पोषण करिबा। आई साधारण संपत्तिर रक्षणाबेक्षण करिबा और हिंसात्मक कार्य को परिहार करिबा। जे जाति को उच्चतम सोपान रखिबा पाई प्रचेष्टा और सफलता तथा उत्कर्षता हासिल सकाशे सबु क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यम करिबा। के प्रत्येक पितामाता निजर 6 वर्ष रु 14 वर्ष मध्य शिशु को मागणा तथा बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा प्राप्तिर सुजोग प्रदान करिबा। प्रश्न 12 मौलिक कर्तव्यर समालोचना गुड़िक लेख। राइट द सिटिजन्स अफ फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट द क्रिटिसीजम्स अफ फंडामेंटल ड्यूटीज। उत्तर मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार गुड़िए
मुद्रार दुईट पार्श्व अटंती। मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार गोटे मुद्रार दुईट पार्श्व अटंती। कर्तव्य संपादन मध्यम अधिकार उपभोग निम्ते मूल्य प्रदान करा जाय थाए। मौलिक कर्तव्य गुड़ी को निम्न मते समालोचना करा गला। एहा सुविस्तृत और सुविन्यस्त नुहे। नियमित कर प्रदान निर्वाचन रे साधुतार सह मतदान आदि गुरुत्वपूर्ण कर्तव्य एथिरे स्थान पाई नहीं। बी एहा न्याय योग्य नुहे। सी केतेक कर्तव्य सुस्पष्ट होइ नथिबारु सेगुड़िक साधारण लोकंक बोधशक्तिर बाहर रही थांती। डी मिश्र संस्कृतिर समृद्ध परंपरा मानववाद आदि कर्तव्य गुड़िक आत्मनिष्ठ बा सब्जेक्टिव होइथिबारु विभिन्न लोक और गोष्ठी यार भिन्न अर्थ बाहर करिथांती। ई मौलिक कर्तव्य को न्यायोग्य न करिबा फलरे यार वास्तव गुरुत्व ह्रास पाउछि। एही क्षेत्र रे स्मरण सिंह कमिटीर सुपारिश को ग्रहण करा जाय नहीं। प्रश्न 13 मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति मध्ये पार्थक्य आलोचना करो। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। उत्तर मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति मध्ये प्रभेद गुड़िक हैला ए मौलिक अधिकार गुड़िक संविधान तृतीय भाग में वर्णित किंतु राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति समूह संविधान चतुर्थ भाग में वर्णित। बी मौलिक अधिकार गुड़िक नास्तिवाचक यहाद्वारा नागरिक मानक अधिकार उपरे राष्ट्रीय हस्तक्षेप को निषिद्ध करा जायछि किंतु अन्य पक्षरे राष्ट्रीय निर्देश गुड़िक अस्तिवाचक नागरिक तथा समाज मंगल साधन निमन्ते एही निर्देशावली गुड़िक कार्यकारी करिवार निर्देश दिया जायछि। सी मौलिक अधिकार गुड़िक न्यायोचित मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले कौनसी व्यक्ति बा अनुष्ठान न्यायालयर आश्रय नहीं पारे किंतु राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीतिगुड़िक नियोजित नुहे यहा न्यायालय द्वारा सब्यस्त हो पारना। यह नीतिगुड़िक सरकार पालन नकले यहा विरुद्ध कहीं न्यायालय आवेदन करें ना। डी मौलिक अधिकार गुड़िक राजनैतिक गणतंत्र प्रतीय होता स्थल राष्ट्रनीति नियामक तत्वगुड़िक सामाजिक और अर्थनैतिक गणतंत्र प्रतीक अटे। ई मौलिक अधिकार गुड़िक नागरिक मानक उद्दिष्ट होता बेले राष्ट्रनीति नियामक तत्वगुड़िक राष्ट्रपाई उद्दिष्ट और यह समाज सामूहिक कल्याण साधन करिथाए। एफ संविधान रे मौलिक अधिकार गुड़िक प्राधान्य दि जाए। संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त और न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित किंतु राष्ट्रनीति नियामक तत्वगुड़िक मौलिक अधिकार ठारु न्यून अटे। यह न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित नुहे। प्रश्न 14 भारतीय संविधान रो संशोधन पद्धति लेख। राइट द एमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तर संविधान एक निर्दिष्ट समय रे प्रणीत और संकलित मौलिक आईनगुच्छ अटे। मात्र पृथ्वी परिवर्तनशील और प्रगतिशील अटे। विवर्तनर धारा अनुजाई राष्ट्रीय कार्यधारा व्यक्तिर जीवनधारा इत्यादि रे परिवर्तन देखाजिबा स्वाभाविक अटे। एही परिवर्तन सह खाप खुआई चलिबा पई संविधान परिमार्जित और संशोधित हेबा उचित। एहा द्वारा संविधान प्रगतिशील और जुगोपयोगी होइथाए। ठीक एही दृष्टि रु पृथ्वीर प्रत्येक देशर संविधान को संशोधन कराजिबार व्यवस्था रहिछि। केतेक क्षेत्र रे एही संशोधन पद्धति जटिल होइथिबा बले अन्य केतेक क्षेत्र रे अत्यंत सहज पद्धति रे एही संशोधन कार्य करा जायथाए। प्रथम पद्धति को अनमनीय बा रिजिड पद्धति और द्वितीय पद्धति को नमनीय बा फ्लेक्सिबल पद्धति कहा जाए। भारतीय संविधान संशोधन पई निर्दिष्ट व्यवस्था 368 धारा रे वर्णित होइछि। डॉक्टर आंबेडकर को मतरे कानाडा परी एठारे लोकमान को संविधान संशोधन पई क्षमता दिया जाय नहीं। मात्र संशोधन पद्धति को अत्यंत सरल बा नमनीय करा जायछि। देशमुख को मतरे संविधान रूपक जहाज रे वायु और ढेउ चलन पई व्यवस्था न रहिले यह ध्वंस पाई जीवा किछि असंभव नुहे। प्रश्न 15 भारतीय संविधान रो मौलिक वैशिष्ट्य बारे आलोचना करो। डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तर संविधान गोटे राष्ट्रर मौलिक तथा सर्वश्रेष्ठ आईन ग्रंथ अटे। भारतीय संविधान रो केतेक मौलिक वैशिष्ट्य रहिछि जहाँ याकु विश्वर अन्यान्य संविधान ठारु पृथक करिथाए। ए विश्वर सर्वबृहत लिखित संविधान।
बी मुखबंध सी संसदीय शासन व्यवस्था डी नमनीय और अनमनीय मध्यरे समता ई केंद्रीकृत राष्ट्रसंघ एफ मौलिक अधिकार जी निर्देशात्मक राष्ट्रनीति एच मौलिक कर्तव्य आई स्वाधीन न्यायालय। जे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के एकक नागरिकत्व आ एल जनमंगल राष्ट्र एम सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा एन द्वि सदनीयता इत्यादि। अध्यापक जेनिंग्स को भाषा रे समस्त संविधान गुड़िक अतीतर उत्तराधिकारी और भविष्यतर परीक्षाकारी अटंती। यही दृष्टि भारत संविधान उपरोक्त मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक अतीतर क्रमगत उद्यमर फल जहाँ भविष्यतर दिग्दर्शक और निर्णायक अटे। प्रश्न सुहल केन्द्रीकृत राष्ट्रसंघ उपरे सम्यक विवरणी दियो। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन यूनिटरी फेडरेशन। उत्तर भारतीय संविधान को संघीय प्रकृतिर बोली कहा जाए अर्थात गठन दृष्टि भारतीय संविधान एक। प्रश्न सुहल केन्द्रीकृत राष्ट्रसंघ उपरे सम्यक विवरणी दियो। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन यूनिटरी फेडरेशन। उत्तर भारतीय संविधान को संघीय प्रकृतिर बोली कहा जाए अर्थात गठन दृष्टि भारतीय संविधान एक राष्ट्रसंघीय संविधान अटे। राष्ट्रसंघर चारोटी उपादान यथा ए लिखित अनमनीय संविधान बी द्वैत सरकार सी क्षमतार विभाजन एवं डी स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय आदि एठारे रही। सांविधानिक क्षमतार विभाजन हेतु केन्द्र और राज्य सरकार माने निज निजर क्षमता परिसर मध्यरे दायित्व तुलाई थांती। तथापि भारतीय राष्ट्रसंघ को केन्द्रीकृत राष्ट्रसंघ बोली समालोचना करा जाए कारण भारत केन्द्र केन्द्र सरकार और राज्य मध्यरे राज्य सरकार रही। मात्र राज्य मानकर क्षमता को अनेक समय केन्द्र सरकार क्षुण्ण करिथाए। जरूरी परिस्थिति घोषणा करी केन्द्र सरकार राज्य मानकर स्वतंत्र क्षुण्ण करिथांती। राज्यपाल सर्वभारतीय सेवा व्यवस्था संगठित न्यायालय एकक नागरिकता माध्यम रे केंद्रीय आधिपत्य वृद्धि प्राप्त होइथाए। भारत विभाजन और विच्छिन्नतावादी मानंक कबलरु देश को रक्षा करिबा पई ए देशर एकता और अखंडता रक्षा करिबा निमन्ते राष्ट्रसंघ रे केंद्र सरकार को क्षमता दिया जाइछि। प्रश्न 17 भारतीय संविधान रो आभिमुख्य गुडीक लेख राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तर भारतीय संविधान प्रस्तावना फरासी विप्लव द्वारा घोषित आभिमुख्य स्वातंत्र समानता और भ्रातृभाव गुड़ी को निजर आभिमुख्य रूपे प्रतिफलित करिबा संगे संगे न्यायर साधन निमित्त मध्य लक्ष्य रखी। भारतीय संविधान आभिमुख्य गुड़िक हैला ए न्याय बी स्वातंत्र सी समानता डी भ्रातृभाव इ व्यक्तिर व्यक्तित्व प्रति सम्मान प्रदर्शन एवं जातीय एकता और संहति। उपरोक्त आभिमुख्य गुड़िक संविधान प्रस्तावनार गुरुत्व बहन करिथाए। लॉर्ड हालिसबरी मत प्रकाश करिथिले जे प्रस्तावना संविधान आभिमुख्य लक्ष्य को प्रकाशित करिथाए। प्रश्न 18 संसदीय शासन व्यवस्था संबंध में धारणा दियो। गिव एन आइडिया ऑन पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उत्तर भारतीय संविधान ब्रिटेन रो संसदीय शासन पद्धति को अनुकरण करिछि तेणु भारत राष्ट्रपति नामक मात्र शासक अटंती। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री वास्तव शासक रूपे कार्य करती। राष्ट्रपति नाम से शासन परिचालित हुए मात्र से शासन करती ना। मंत्री मैंने शासन क्षेत्र में प्रत्येक कार्यपाई व्यवस्थापिका निकट में दायी रुहति। संसदीय सरकार ने मंत्री मैंने सहयोगी भाव शासन परिचालना कर एठारे व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल मध्य सहयोग और समन्वय स्थापित होता है। मंत्रिमंडल संसदर आस्थाभाजन होता जाए दायित्व रोहे ता अनास्था प्रस्ताव मध्यम मंत्रिमंडल को दरखास्त करने दायित्व संसद उपभोग करें। संसद लोकप्रतिनिधि सभा होती शासन व्यवस्था अन्न्य विभाग अपेक्षा अधिक क्षमता उपभोग करें। भारत दीर्घ दिन धरी ब्रिटिश संसदीय शासन संस्पर्श से आसवा फल एठारे संसदीय शासन व्यवस्था प्रचलन करागला। प्रश्न 19 सामाजिक न्याय कौन व्हाट इज सोशल जस्टिस। उत्तर समाज में बास करुवा लोक मैंने
ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ଓ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟାମକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏକ ଉଦାରବାଦୀ ସମାଜରେ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ବୈଷମ୍ୟ ଆଦି ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତିରୋଧକ ହିସାବରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯେଉଁଠି ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାନ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅସମାନତା ଆଦି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଓ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଏହା ଭାରତ ପରି ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନାଗରିକତା ଆହରଣ କରିବାର ଉପାୟମାନ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍। ଉତ୍ତର ନାଗରିକ କହିଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନାଗରିକ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନାଗରିକତା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ କୁହାଯାଏ। ଅଣନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାବାଲୋକ ହେଲା ପରେ ନାଗରିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ବିଦେଶୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ନାଗରିକତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ନାଗରିକତା ଆହରଣ କରିବାର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ବାଇ ବାର୍ଥ। ପ୍ରାକୃତିକ ନାଗରିକତା ନିମ୍ନଲିଖିତ 2 ନୀତି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଇ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନୀତି, ଜସ୍ ସେଙ୍ଗୁଇନିସ୍, 2 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନୀତି, ସେକେଣ୍ଡ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନୀତି, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନୀତି ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନୀତି, ଜୁଜ୍ ସୋଲି। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ନାଗରିକତା ନିମ୍ନଲିଖିତ 2 ନୀତି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନୀତି ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନୀତି। ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାୟ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍, ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। 1 ଦୀର୍ଘଦିନ ବାସ, 2 ବିଚାର, 3 ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଘୋଷଣା।